Assalamu alaikum, dear students. Today I'm going to teach you about significance of food science and technology. In general, food science and technology has enormous impact on the quality of human life. Of course, पहले इंसान जो था वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफरेंट थी. आजकल की फास्ट लाइफ के अंदर आपको वैसे ही फास्ट फूड मिल सकता है, कैंड वेजिटेबल्स, इसके अलावा जितने भी जो है वो प्रोसेसिंग है, उसमें हर चीज़ जो है विदाउट सीजन वेरिएशंस या कुछ भी, हर चीज़ जो है वो इंसान के टेबल पर ला के रखती है. डेवलप्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ फूड्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू इंडस्ट्रियल फार्मिंग, एक छोटे लेवल की फार्मिंग जो है, एक जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो वजूद में आई है. प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर मोर देन 100 फैमिलीज, एक वक्त में 100 फैमिलीज से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन ऑफ फूड जो है वो पॉसिबल है. फूड फ्रेशनेस रिटेंशन जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फूड टेक्नोलॉजी का. डिटीरियोरेशन एंड स्पॉयलेज प्रिवेंशन है. सप्लाइंग गुड क्वालिटी फूड टू द डिस्टेंट एरियाज नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप कहते हैं कि ये फूड सप्लाई को रेगुलेट करता है, ठीक है. रेगुलेटिंग मार्केट प्राइसेस इन ऑफ सीजन बाय प्रॉपर स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द एक्सेस फूड. इसकी एग्जांपल आप ले लें कि गंदम के दाने जो हैं वो पूरा साल जो है वो आपको आपकी सप्लाई में रहते हैं. इवन 2 साल तक उनकी स्टोरेज है, 2 साल तक उनको स्टोर किया जाता है, जा सकता है अगर प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन हों. फूड सप्लाई ड्यूरिंग ऑफ सीजन टू मीट द डिमांड. फूड सप्लाई टू नॉन फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज, ऐसे एरियाज जैसे डेजर्ट्स वगैरह हैं जहाँ पर जो है वो फसल नहीं उग सकती, वहाँ तक जो है वो फूड सप्लाई किया जाता है. ज़ाहिर बात है अगर उसकी फूड की जो है वो सप्लाई जो है फूड की जो है प्रिजर्वेशन पॉसिबल है तभी ये वहाँ तक सप्लाई किया जा सकता है. फूड सप्लाई टू फार ऑफ प्लेसेस एंड ईज इन फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट, ठीक है. कंज्यूमर कन्वीनियंस क्या है, फूड क्लीनिंग एंड प्रेपरेशन ईजी हो गई है, फूड स्टोरेज ईजी हो गया है, कुकिंग टाइम रिडक्शन हो गया. कुकिंग टाइम रिडक्शन कैसे हो गई है, जो आपके पास कैंड फूड्स आता है कैंस के अंदर जो फूड, पाकिस्तान में तो ट्रेंड नहीं है लेकिन बाहर के मुल्कों में जहाँ पर दोनों पार्टनर्स जो हैं वो काम करते हैं, दे यूजुअली डोंट कुक एट होम. और अगर घर में खाना बनाना भी हो तो जो है वो ज़्यादातर खाने पकाने की चीज़ें जो हैं वो हाफ कुकड आती हैं, मीट हाफ कुकड आता है, कैंड वेजिटेबल्स होती हैं, वो आप जस्ट यू मेक द करी एंड पोर इनटू देम और आपका खाना तैयार हो जाता है. क्लीन सेफ होलसम फूड ओवर द काउंटर, और ये वो फूड होता है जो क्लीन भी होता है, सेफ भी होता है और होलसम भी होता है, ठीक है. लाइक आपको वेजिटेबल्स कट नहीं करनी पड़ती हैं, आपको रॉ ख़रीद के कट नहीं करनी पड़ती, स्लाइस नहीं करनी पड़ती हैं, और आपकी वेजिटेबल्स जो हैं वो आपके ओवर द काउंटर होती हैं. न्यूट्रिएंट इनरिच्ड फूड प्रोडक्ट्स, बहुत सारी जब प्रोसेसिंग करते हैं तो प्रोसेसिंग करते हैं या ड्यूरिंग स्टोरेज बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं. जैसे आटे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं. आजकल फॉलिक एसिड इनरिचमेंट हो रही है, आयरन इनरिचमेंट हो रही है, क्योंकि चपाती हमारे यहाँ का स्टेपल फूड है, मतलब गंदम स्टेपल फूड है, उस दैट हैज आयरन डेफिशिएंसी एंड स्पेशल फूड फॉर स्पेशल देन स्पेशल फूड फॉर स्पेशल केसेस लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिसऑर्डर्स, एलर्जीज, जैसे एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आप ग्लूटेन इंटॉलरेंस की बात कर लें, लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात कर लें, जो लोग दूध नहीं पी सकते जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनको जो है वो लैक्टोज फ्री मिल्क प्रोवाइड किया जा सकता है. हार्ट डिसऑर्डर्स के पेशेंट को ऐसा फूड प्रोवाइड किया जाता है जो कि उनके जो क्रोनरी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उनकी जो है वो ईज़ करता है. मतलब ऐसे अब तो न्यूट्रासूटिकल्स यानी
फार्मास्यूटिकल्स की जगह पे, फार्मास्यूटिकल जब जिससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो क्योर की जाती थी मेडिसिन से, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो अब न्यूट्रिएंट जो फूड एक्सट्रैक्टेंट्स हैं उनसे क्योर की जा सकती हैं। इसी तरह डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए स्पेशल फूड जैसे शुगर फ्री जो है वो ड्रिंक्स होती हैं। Scientific expeditions are journeys and travel processed, preserved and canned foods to be taken along on journey. North Pole, मतलब processed, preserved and canned, वो लोग जो far off areas में जाते हैं adventures के लिए, जैसे इसके अलावा mountain climber जो होते हैं वो Mount Everest वगैरह पे, ये लोग वहाँ पर processed, canned vegetables, मतलब इस तरह का food लेकर जाते हैं जो processed होता है और preserved होता है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेशल फूड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय यूजिंग फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फूड सर्व्स इन एयरलाइंस जो है वो एक्सपीडिशन है, शिप्स कैरी फूड फॉर मंथ्स। और ज़ाहरी बात है उसमें सिर्फ और सिर्फ गंदम तो नहीं होती होगी, उसमें हर चीज़ होती है और वो सब कुछ पॉसिबल है ड्यू टू फूड टेक्नोलॉजी। वेस्ट यूटिलाइजेशन एंड रिडक्शन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसमें हमारे पास जितना भी हस्क आता है जैसे चावलों का हस्क है, इसबगोल हस्क है, इस तरह पील्स हैं, पिट्स हैं, ये जो गुठलियाँ हैं, अब आम की गुठली के अंदर जो उसका कर्नल होता है उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इस बहुत सारे सीड्स हैं उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, इनकी यूटिलाइजेशन करते हैं जो फेस्ट रिडक्शन, वेस्ट रिडक्शन में हेल्पफुल होता है। नए फूड प्रोडक्ट्स डिवेलप किए जाते हैं, इनरिच न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फूड प्रोडक्ट्स यानी सप्लीमेंटेशन की जाती है, जो जैसे जिससे मैंने आटे की बात बताई, कुछ सप्लीमेंटेशन और फर्टिफिकेशन में ये डिफरेंस होता है। सप्लीमेंटेशन में ये होता है कि आप ऑलरेडी कुछ चीज़ प्रेजेंट है आप उसकी क्वान्टिटी बढ़ा देते हैं, फर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि वो चीज़ प्रेजेंट ही नहीं थी और आपने उसके अंदर जो है वो डाल दी। प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मेन्योर और फर्टिलाइजर्स, ठीक है, प्रोडक्शन ये जो पील्स वगैरह होती हैं इनको इकट्ठा करके जो है वो आप ऑर्गेनिक मेन्योर बनाते हैं। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जैसे दही हो गया, चीज़ हो गया, चीज़ की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, दही की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, दही जो है वो दूध की निस्बत कहीं ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इनरिच्ड होता है, ठीक है। फर्मेंटेड फिर अचार जो है वो कितनी बड़ी उसकी पिकल्स की, ये सब कुछ फर्मेंटेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। इस तरह ऑयल्स, फाइबर्स और पेक्टिन्स की प्रोडक्शन इन हर्बल सप्लीमेंट्स और मेडिसन्स, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक गेन क्या है, फूड इंडस्ट्री इमर्ज हुई बिगेस्ट इंडस्ट्री, इसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक गेन्स एंड प्रॉफिट्स हैं एनॉर्मस। सेकंड मेजर एम्प्लॉयर ऑफ लेबर इन द पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद सबसे दूसरे नंबर पर फूड इंडस्ट्री आती है जो मेजर एम्प्लॉयर है, मतलब ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट्स जो हैं वो फूड सेक्टर्स के अंदर हैं। प्रोविजन ऑफ हाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, वो जितनी ये नेस्ले है, शीजान है, ये जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, मुल्तान में बोलका है, ये बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो है, एक तो ये बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, जॉब्स क्रिएट कर रही है, दूसरा ये टैक्सेस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट बिजनेस, जो प्रोसेस्ड फूड को एक्सपोर्ट करते हैं उससे फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है, ठीक है। सप्लाइंग मटेरियल टू न्यूमरियस एलाइड इंडस्ट्रीज जैसे केमिकल, डिटर्जेंट, पैकेजिंग, मेडिसन, इन सबको मटेरियल सप्लाई किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जब रॉ मटेरियल जाता है, या आपने देखे होंगे अक्सर मोटरवे पे जाएं तो बड़े बड़े भरे हुए ट्रक होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर किन्नू जा रहे हैं, वाटरमेलन जा रहे हैं, मेलन्स जा रहे हैं, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जो है वो भी फैसिलिटेट होती है। जिस तरह से देर इज राइज इन, अब ये ग्लोबल एंड नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन सिचुएशन अगर देखा जाए, स्टूडेंट्स आई विल शेयर विद यू द न्यूट्रिशन सर्वे ऑफ पाकिस्तान, न्यूट्रिशन सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2020। यू विल सी कि पाकिस्तान के अंदर क्या कंडीशन है ग्रोथ की और ये न्यूट्रिशन की क्या हालात हैं। फूड इंडस्ट्री जो है वो उसका मकसद सिर्फ लोगों को खाना खिलाना नहीं है, उसका मकसद लोगों की ग़िज़ा पूरी करना है, ठीक है। देर इज़ डिफरेंस, आप खाना खाते हैं उसमें और आप न्यूट्रिएंट्स पूरे ले रहे हैं, देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है।
हंगर एंड राइज इन हंगर अराउंड द ग्लोब जो है उसमें हंगर एंड अंडर नरिश्ड. सबसे पहले देखें, एक भूख है, दूसरा है अंडर नरिशमेंट मतलब गजाई कमी. डाइट्री एनर्जी इनटेक्स बिलो द मिनिमम लेवल नेसेसरी टू अचीव एंड मेंटेन अ हेल्दी वेट. इसको कहते हैं अंडर नरिशमेंट, कि आपको जो एनर्जी चाहिए अपने मिनिमम लेवल, जैसे 1500 किलो कैलोरीज एक नॉर्मल एडल्ट को चाहिए कम से कम, वो 1500 भी नहीं उसको मिल रही अपना हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए. वो 1500 भी अगर ना मिलें तो इट मींस के दैट पर्सन इज अंडर नरिश्ड. दिस क्रॉनिक फूड डेप्रिवेशन हैज़ इंक्रीज नियरली 821 million इन 2017 from around 807 million in 2016 and it is still rising. So last year have seen continuous increase in hunger. About 1.2 billion people don't get enough food. 1.2 billion people on the face of earth don't get enough food. So always think before you waste food. इससे पहले कि आप अपने खाना जाया करें, आप ये हमेशा सोचा करें कि कितने लोग जो हैं वो उस खाने के लिए तरस रहे हैं. 792 मिलियन पीपल जो है डेवलपिंग कंट्रीज में हैं और 34 मिलियन इन डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज भी पीछे नहीं हैं. अंडर नरिशमेंट की जो प्रेवलेंस है वो अफ्रीका में हाईएस्ट है, साउथ अमेरिका में जो है वो बढ़ रही है, एशिया जो है वो उसमें 11.4% है, मोर देन 515 मिलियन पीपल जो है वो ज़्यादा हैं. ये जो है प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, प्रेवलेंस होता है किसी भी चीज़ का रुझान होना या कोई भी चीज़ कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, प्रेवलेंस प्रेवलेंट. पाकिस्तान के अंदर जो है 19.9% पीपल जो हैं वो वहाँ पर जो प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट जो है 19.9% है 2015 में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक कलेक्शन ऑफ डिवेलपमेंट इंडिकेटर्स. ओके, पाकिस्तान के अंदर भूख की क्या सूरत हाल है. पाकिस्तान रैंक 77th आउट ऑफ 109 ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स. इमेजन 6 out of 10 पाकिस्तानीज आर फूड इनसिक्योर. फूड देर इज डिफरेंस बिटवीन अंडर नरिशमेंट और फूड इनसिक्योर. फूड इनसिक्योरिटी की मैं डेफिनेशन आगे करवाती हूँ आपको. फूड सिक्योरिटी प्रजिस्ट ऑल द फूड प्रोडक्शन इज सफिशेंट टू फीड ऑल द पाकिस्तान. हमारे पाकिस्तान के अंदर इतना फूड प्रोड्यूस होता है कि तमाम पाकिस्तानियों को फीड किया जा सके. लेकिन फूड इनसिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि कुछ एरियाज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है और वहाँ बहुत ज़्यादा, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ ना प्रोडक्शन है ना उनके रिसोर्सेज हैं कि वो चीज़ें जो है वो परचेज़ कर सकें. सो आलमोस्ट हाफ द वीमेन एंड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज आर माल नरिश्ड. कैसे, तकरीबन पाकिस्तान की आधी औरतें और बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं, आधे, अब कितनी जितनी भी आबादी है उसमें से अगर आधी, अगर 15 करोड़ जो है वो ख्वातीन और बच्चे हों तो उनमें से आधे जो हैं 7 करोड़ या 7-8 करोड़ के नज़दीक बच्चे और ख्वातीन जो हैं वो माल नरिश्ड हैं. ये बड़ा ज़रूरी है बच्चों कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रिशनल सिचुएशन क्या है. एडल्ट्स की बात अगर की जाए तो लो एनर्जी एंड प्रोटीन अवेलेबिलिटी पर कैपिटा. रोटी सबको मिलती है लेकिन क्या उनको प्रोटीन मिलती है सफिशिएंट, क्या वो रोटी या जो एनर्जी चाहिए क्या वो सफिशिएंट मिलती है उनको. 51% प्रेगनेंट वीमेन जो हैं वो अनीमिक हैं, उनको आयरन सफिशेंसी नहीं है, गोश्त नहीं मिलता, दालें नहीं मिलती, आयरन नहीं है उनके अंदर, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता. 51% प्रेग्नेंट वीमेन अनीमिक हैं. 37% ओवरऑल आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है, मतलब अगर 100 लड़कियां खड़ी हैं, 100 ख़वातीन खड़ी हैं, उनमें 37 जो हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी होगी. 46% ख़वातीन जो हैं वो वाइटमिन ए डेफिशिएंट हैं, और कितना ज़रूरी वाइटमिन है ये. 69% वाइटमिन डी डेफिशिएंसी, इसका मतलब ये है कि अगर 100 में से 70 औरतें जो हैं उनको जोड़ों का हड्डियों का लाजमन मसला होगा. 47.6% जो बड़ी लोग हैं, सॉरी एडल्ट्स की बात है, सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं है,
तो 47.6% जिंक डेफिशिएंसी। जिंक इतना इम्पोर्टेंट है, आपकी इंसुलिन जो है वो जिंक से बनती है। अगर जिंक डेफिशिएंट होंगे तो इट मींस कि योर बॉडी विल बी मोर प्रोन टू वर्ड्स डायबिटीज एंड अदर डिसऑर्डर्स। चिल्ड्रन 62% 5 साल से छोटे बच्चे एनीमिक हैं। 43.8% आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। एनीमिया के भी इकसाम हैं, कुछ जो हैं वो आयरन सिर्फ आयरन की कमी की वजह से होती हैं, कुछ जो होती हैं वो दूसरे जैसे कॉपर वगैरह हो गया एसोसिएटेड, वो ये लंबी डिटेल है। 43.8% आयरन डेफिशिएंसी। 54% बच्चे जो हैं वो विटामिन ए, अगर इसका मतलब ये है कि अगर 5 साल से छोटे बच्चे विटामिन ए डेफिशिएंट हैं, दे विल नॉट डिवेलप अ गुड आई साइट। अगर 100 में से 54 बच्चे जो हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी का शिकार हैं तो इट मीन्स कि उनकी आई साइट ही प्रॉपर डेवलप नहीं होगी। 40% बच्चे जो हैं 5 साल से कम विटामिन डी, इसका मतलब है ज़्यादा बच्चे जो हैं उनको रिकेट्स हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, हड्डियों के मसाइल हो जाएंगे। 39% जिंक डेफिशिएंट हैं। हालात देख लें बच्चों आप लोग, न्यूट्रिशन सिचुएशन अराउंड द ग्लोब की अगर हम बात करते हैं तो प्री स्कूल चिल्ड्रंस में जो है वो 160 मिलियन, ठीक है, तकरीबन 16 करोड़ के करीब बच्चे जो हैं वो सीवियरली माल नरिश्ड हैं। 160 मिलियन पूरी दुनिया में, ठीक है। 13 मिलियन बच्चे जीरो फथैलमिया, ठीक है, उनको जो है वो आई साइट का मसला है। 5 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो पार्शली या टोटली ब्लाइंड हैं। अच्छा, चाइल्ड वेस्टिंग जो है, लो वेट फॉर हाइट, यानी कम जितनी हाइट है उस हिसाब से कम वजन है तो उसको कहते हैं वेस्टिंग। स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टेड मोर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन अंडर 5, जो बच्चे ज़्यादा वीक होते हैं अपनी हाइट के लिहाज से, उनका वज़न कम होता है, उनकी मोर्टेलिटी के यानी उनकी अमवात के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन 2017 7.5% वर रिपोर्टेड टू बी अफेक्टेड बाई वेस्टिंग, सब कॉन्सिक्वेंटली पुटिंग दैम एट अ हायर रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। स्टंटिंग होती है कि छोटी हाइट हो, उम्र के लिहाज से छोटी हाइट, ठीक है, मतलब एक बच्चा 5 साल का है लेकिन 5 साल के बच्चे की जितनी कद होना चाहिए उसका उतना नहीं है, उसको बोलते हैं स्टंटिंग। इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, ये भी जो है वो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से होता है। द नंबर ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन हैज़ शोन अ स्लाइट डिक्लाइन ऑफ 9% फ्रॉम 165.2 मिलियन इन 2012 टू 150.8 मिलियन इन 2017, बट स्टिल नियरली 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 इन द डिवेलपिंग वर्ल्ड आर स्टंटेड। अच्छा जी, अब आती हैं माइक्रो न्यूट्रिय, एक होते हैं बच्चों मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए और लिपिड्स, इनको बोलते हैं हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। बाकी हैं मिनरल्स और विटामिन्स, वो कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये जो पीछे बात हो रही थी ये हो रही थी प्रोटीन डेफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, इनकी वजह से। अब आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज का मतलब होता है कि जो मिनरल्स जैसे कॉपर है, आयरन है, विटामिन ए बी सी डी ई के, जो इनकी कमी जो है इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बोलते हैं। लैक ऑफ एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल रिक्वायर्ड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज बाय द बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। 1.5 बिलियन पीपल जो हैं एनीमिक हैं, ये पीछे पढ़ा है हमने। वीमेन ज़्यादा हैं एनीमिक, 1 बिलियन पीपल आयोडीन डेफिशिएंट हैं और 217 मिलियन लोगों को जो है ये गिलहड़ का मर्ज है। देर इज स्टिल अ लॉन्ग रोड अहेड टू अचीव द 2025 एंड 2030 टारगेट्स फॉर स्टंटिंग, वेस्टिंग, ओवरवेट। अच्छा, ओवरवेट यानी मोटे होना भी एक इशू है। एक्सक्लूसिव ओके, रीजंस बिहाइंड राइज इन हंगर क्या है? द नंबर ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स जैसे ड्राउट्स जो हैं किसी इलाकों में, जैसे थर में बारिशें नहीं होती, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, फ्लड्स आते हैं, आंधियाँ तूफान आते हैं, तो क्या होता है कि ये जो है पहले बहुत ज़्यादा थी ये प्रॉब्लम्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये डबल हो गए हैं। 1990s के बाद ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये डबल हो गए हैं। उससे ये होता है कि जब लोग एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते हैं
क्राइसिस बढ़ते हैं, उनको प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड की जा सकती, गवर्नमेंट्स जो हैं वो फेल हो जाती हैं. ओके, एवरेज 213 पर ईयर अकर्ड इन 19, ओके, मतलब 213 के करीब ये जो डिज़ास्टर्स हैं ये 2016 तक बढ़े हैं. ऐसे डिज़ास्टर जो हैं फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हार्म करते हैं. जैसे अभी आप एग्जांपल लें कि अभी जो ओले पड़े हैं उसने बहुत सारे इलाकों की गंदम जो है वो तबाह कर दी है. ऐसे डिज़ास्टर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं. ड्राउट ओनली वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 80% ऑफ द टोटल डैमेज एंड लॉसेज इन एग्रीकल्चर. ठीक है, ये जो बारिशें नहीं होती फिर सीज़न में उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है लाइव स्टॉक का, क्रॉप प्रोडक्शन का. ओके, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें फूड क्या है. फूड इज़ दैट विच नरिशिज द बॉडी. ठीक है, जब आप इंजेस्ट करें तो आपकी बॉडी को नरिश करें. फूड में ऑल्सो भी डिफाइंड एज एनी थिंग इंजस्टेड टू मीट द इंजस्टेड मतलब निगलें टू मीट द नीड्स ऑफ एनर्जी बिल्डिंग रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी. न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं, हर वो चीज़ दैट हैपन्स टू फूड फ्रॉम द टाइम इट इज़ ईटन अंटिल इट इज़ यूज फॉर वेरियस फंक्शन द बॉडी. हर न्यूट्रिशन हर वो चीज़ है जो हम फूड में लेते हैं किसी भी वक्त, और वो जब हमारे जिस्म को लगती है हमारे वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करती है वो फूड मटेरियल उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. ठीक है, फूड हर वो चीज़ जो हम खाएँ और दैट सपोज टू बी यानी वो हमारी बॉडी को नरिश करे हमारी बॉडी को पाले उसको हम उसकी बिल्डिंग में रेगुलेशंस में प्रोटेक्शन में उसको फूड बोलते हैं. लेकिन जब वो फूड डिफरेंट अज्जा में जो है वो तब्दील होकर हमारे जिस्म में इस्तेमाल हो जाता है उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. एडिक्वेट ऑप्टिमम एंड गुड न्यूट्रिशन जो हैं ये आर एक्सप्रेशन यूज टू इंडिकेट द सप्लाई ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट एंड द प्रोपोर्शन. एडिक्वेट मतलब काफ़ी हैं आपके जिस्म के लिए, ऑप्टिमम मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी मिल रहे हैं, और गुड न्यूट्रिशन मतलब तमाम अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं. न्यूट्रिशनल स्टेटस इज़ द स्टेट ऑफ आर बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ द फूड्स कंज्यूम्ड एंड देयर यूज बाय द बॉडी. क्या है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है हमारी बॉडी का, हमने कितना खाना खाया और कितना हमारे जिस्म को लगा और कितना जो है वो उसने फैट बढ़ाई हमारे जिस्म में. ठीक है, हेल्थ इज एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल. ठीक है, सेहत क्या है, एक ऐसी स्टेट जो आपकी कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एबसेंस ऑफ, सिर्फ ये नहीं कि आपके जिसको आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं. अगर आप किसी किस्म के भी फिजिकल डिस्ट्रेस का शिकार हैं या किसी किस्म की मेंटल मतलब डिप्रेशन जिसे बोलते हैं उसका शिकार हैं तो वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है. सो माल न्यूट्रिशन मीन अनडिज़ायरेबल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन. इसका मतलब माल न्यूट्रिशन का माल मतलब रॉन्ग, न्यूट्रिशन मीन न्यूट्रिशन means an undesirable kind of nutrition. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा fats खाते हो, बहुत ज़्यादा oil खाते हो, बहुत ज़्यादा white breads और बहुत ज़्यादा carbohydrates ले रहे हैं, you are also malnourished. क्योंकि nourishment का मतलब ये होता है कि तमाम nutrients जिसमें micro vitamins भी आप उतने ही ले रहे हैं, protein भी आप उतने ही ले रहे हैं. तो अगर एक बंदा सुबह 10 रोटियां खा लेता है, वो दोपहर में भी 10 रोटियां खाता है, किसी भी जो है अचार के साथ खा ली सपोज, या एक तरह के, और वो 10-15 दिन जो है वो दो इतना ज़्यादा खाना खाता रहा है और वो कहता है कि मैं तो बहुत खाना खाता रहा हूँ फिर भी मैं क्यों बीमार हो गया, फिर भी मुझे जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों हो गया है, बिकॉज वो एनर्जी तो पूरी लेता रहा, वो अपनी ग्लूकोज तो पूरी करता रहा, लेकिन उसने जिस्म के बाकी जो ज़रूरियात है उनका ख्याल नहीं रखा. उसने ना आयरन लिया ना कॉपर, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं ली जो दूसरे वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती हैं. नतीजा ये निकला कि अगर एक बंदे के पूरे दिन की एनर्जी एक रोटी से पूरी होती है तो वो एक रोटी जो है वो उसकी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, जो दूसरी एक्स्ट्रा रोटी वो खाता है वो उसकी बॉडी में फैट की सूरत में डिपॉजिट हो जाएगी, जो कि फिर अल्टीमेटली नुकसानदेह है. और ये भी माल नरिशमेंट के जो है वो कैटेगरी में आता है. सो अनडिज़ायरेबल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन लीडिंग टू इल हेल्थ, इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ लैक यानी कमी,
कमी के नतीजे में एक्सेस या बहुत ज़्यादती के नतीजे में जो है वो माल न्यूट्रिशन होती है। सो इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट, यानी एतदाल पसंदी ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की कमी और किसी भी चीज़ की ज़्यादती कभी भी ठीक नहीं होती। सो अगर आप अंडर नरिश हैं तब भी आप माल नरिश हैं, अगर आप ओवर न्यूट्रिएंशन ले रहे हैं तब भी आप ओवर नरिश्ड हैं। फूड सोर्सेज की बात की जाए तो प्राइमरली दो तरह के सोर्सेज हैं, एक प्लांट सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्सेज हैं। एनिमल सोर्सेज अगेन दो तरह के होते हैं, मेरीन सोर्सेज होते हैं और एक लैंड सोर्सेज होते हैं। फिशेज आर समटाइम्स रिसेप्टिव थर्ड ग्रुप, मेरीन सोर्स ऑल काइंड ऑफ फिश। प्लांट सोर्सेज में फूड, वेजीज, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर, सीड्स, नट्स, लिग्यूम्स, नट्स ये जितने भी बादाम शदाम होते हैं, ये लिग्यूम्स ये जो फलियों वाले जो होते हैं फलीदार पौधे, वो पल्सीज दालों को बोलते हैं। हर्ब्स जो हैं ये जितने आपके धनिया पुदीना ये सारा कुछ, स्पाइसेस जो है ये नमक मिर्च ये सारा कुछ। एनिमल सोर्सेज की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनको खाया जा सकता है। मुस्लिम्स जो हैं वो सिर्फ जिनकी स्प्लिट हूफ्ड रूमिनेंट्स जो हैं, यानी जुगाली करने वाले वो जानदार जिनके स्प्लिट जिनके पाँव में जो है वो हूफिंग स्प्लिट हूफ्ड होते हैं। इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड बर्ड्स हैं वो हलाल हैं और एडिबल हैं। इसी तरह काउस, बफलो, शीप, लैम, गोट, डियर ये सारे जो हैं ये हलाल सोर्सेज में आते हैं। फूड, ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट आर फर्स्ट चैप्टर। फूड सिक्योरिटी जो है वो मैंने आपको जो है उसका, ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू विल वेल अंडरस्टैंड दिस एंड देन वी विल प्रोसीड। अगर आप यही नहीं अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमने प्रोसीड करने का फ़ायदा नहीं होगा। सो इसको बहुत अच्छी तरह से याद करिएगा, बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा, और जो है कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में आप कोई भी सवाल है, आपका कोई भी सवाल है, प्लीज़ 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 आस्क योर क्वेश्चन, सो दैट अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे इट मीन्स कि आपने कुछ सुना ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।